और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो मेंटल ब्लॉक पे जी रहा है। मेंटल ब्लॉक मतलब उसको इंग्लिश में एक टर्म कहते हैं सेल्फ सैबोटेज। सेल्फ सैबोटेजिंग करने का मतलब होता है खुद को डिस्ट्रॉय कर लेना, और उस वक्त वो बहुत सारी चीजों को ऐसी ऐसी चीजों को सोचता होता है। शायद जब उसको लगता है कि यार मेरी एक्सपेक्टेशन मतलब मेरी दूसरे लोग सोच रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, या दूसरे क्या सोचेंगे अगर मैं रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या मेरा रिजल्ट मुझसे बन नहीं बन पा रहा है। कई बार वो स्टूडेंट ऐसा सोचता है यार मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है, उसका अच्छा खुद ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या करने लगता है, शो ऑफ करने लग जाता है। अरे मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो, वो बताने ज्यादा लग जाता है, वो उसको किल कर रहा है अंदर। बजाय उसको उसको जिस वक्त जब मन ये करता है कि यार ये काम नहीं करना है, उस वक्त उसको वही वाला काम करना चाहिए जब उसका मन ये कह रहा है कि यार ये काम नहीं करना है। जैसे मान लेते उसने मैथ्स उठाया और उसका मैथ्स में मन कह रहा है कि यार कौन पढ़े, इसका मतलब एक्चुअल में मेरी नजर में उसको उसी वक्त मैथ्स करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो मैथ्स से दूर भागते 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 एक दिन ऐसी जगह जाएगा जहां मैथ्स घूम के सामने वही आ जाएगी, और वो टाइम वो किल कर चुका है, तो उसकी लर्निंग स्पीड कम हो जाएगी, अब वो मजबूरी में पढ़ा। बजाय उसको अनविलिंग को विलिंग में चेंज कर लेना सीख लेना चाहिए, यार ये तो है ही, आएगा तो सब्जेक्ट, इससे अच्छा उसको अभी पढ़ लो, तो उसको अवॉइड ही नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है उसको जल्दी पढ़ लेना चाहिए, उससे उसका फायदा है, और जितनी जल्दी जिस सब्जेक्ट पे कवर कर ले उतना फायदा, क्योंकि बार बार तो मौका मिलेगा भी नहीं, एग्जाम तो साल में 2-3-4, और उस वक्त अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा तैयारी नहीं हुआ तो फिर वो मौके गए, मौके फिर बन जाएंगे अगले साल, लेकिन वो टाइम का क्या करते आप, टाइम तो चला गया, टाइम ही रिटर्न नहीं हो, क्योंकि लिमिटेड वही है, बाकी तो सब हमारे पास आने लगे, उम्र गई, एग्जाम हाथ से गया, फिर तो सभी का चलता है, किसका काम रुकेगा, किसी का नहीं रुकेगा, और वही है फिर अपन जो सोच कर रहे होता है।